أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. يوم الجمعة، يوم البركة، يوم ظهور الحق. يا رب الحسين، بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. يا رب الشهداء اشفي صدور الشهداء بظهور الحجة. يا رب المؤمنين اشفي صدور المؤمنين بظهور الحجة. قبوليات الدعاء كلي صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل السكينة على قلوب المؤمنين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. السلام عليك يا عين الله في خلقه، يا صاحب العصر والزمان. ہماری خوش نصیبی ہے کہ پروردگار عالم نے آج اس بابرکت دن میں ہمیں عظیم ترین عبادت کے لیے چن لیا، انتخاب کر لیا. اللہ ہر ایک کو سلیکٹ کرتا ہے، چوز کرتا ہے عبادت کے لیے، اچھے کاموں کے لیے. کتنی پیاری حدیث ہے، الدنیا سوق ربح فیہا الآخرون وخسرا. یہ حدیث جو امام ہادی علیہ السلام سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں یہ دنیا ایک مال کی طرح، ایک بازار کی طرح، ایک شاپنگ سینٹر کی طرح ہے، جہاں لوگ معاملہ، بزنس اور ایک ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں. الدنیا سوقون، کچھ بہت فائدہ اٹھاتے ہیں اس دنیا سے، بہترین جگہوں پر آتے ہیں، بہترین عبادتیں کرتے ہیں، اور کچھ نقصان، گھاٹے میں، خسارے میں، بہت سا انہیں اپنی زندگی میں بے ثمر کام کرنے میں مصروف رہتے ہیں. رب نے ہمیں چنا ہے اس حسین عبادت کے لیے، کتنا شکر کریں ہم رب کا. کتنا کم ہے کہ ہم اس دنیا میں، جس دنیا کے بارے میں میرے مولا کا کتنا پیارا قول ہے، یا ایام ایام زینبیہ ہے، اینڈ وی آر کیپ آسکنگ اور بی بی، یا سیدہ، یا بنت زہرا، اے دختر علی، ہاؤ کم، ہاؤ. یہ بہت بڑا سوال ہے، کیسے، کس طرح آپ اتنے عظیم صبر کے اس لیول پر پہنچی، جمال آپ کو ہر جگہ ایسا نظر آیا
कि जो भी होता आपकी जगह आम लोगों में से, वो इतना हुस्न इकट्ठा न कर सकता। ये कहना आसान है, इट्स ईजी टू से कि मलाइका एंजल्स हैरान होते थे सब्र जनाबे बिनत सैयदा को देखकर, इतना सब्र ज़्यादा के सैयद साजिदीन अलैहिस्सलाम को भी दे रही है, तलकीन कर रही है कि बेटा सब्र करो बेटा, बहुत जल्द यहाँ आबाद हो जाएगा, लोग अरबाइनी दूर दूर से पूरी दुनिया से आएंगे, जो भी रुकावटें सब ख़त्म हो जाएंगी। ये आया कहाँ से, किस तरह आया है, क्यों आया है? ज़िंदगी सिलेक्शन का नाम है, ज़िंदगी इंतखाब का नाम है। हमने इंतखाब किया है अय्याम ज़ैनबिया में अपनी बीबी को, और ये इंतखाब हमें सिखा रहा है कि हम भी अपनी सैयदा की तरह क्या करें, बहुत ही ज़्यादा एक सुकून, एक इत्मीनान, एक सब्र बेकरार, एक हसीन उस आलम में ज़िंदगी बसर करें जिस आलम में जाने की हर एक की तमन्ना है। जब पूछते हैं बीवी से कि बीवी आपके पास इतना सब्र कहाँ से आया, कैसे आया, राज क्या है, सीक्रेट क्या है, तो आपका बातिन, आपका वो हकीकी सीरत जब हमारे सामने खुल कर आता है तो आप फरमाती हैं कि मैंने इस दुनिया को कंतरा पाया, क्योंकि अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान है, ये बहुत अहम नुक्ता है, बहुत आसान लगता है लेकिन अक्सर हम लोग फेल हो जाते हैं। बोलने में आसान है, समझने में आसान है, करने के लिए बड़ी कमर तोड़ मेहनत चाहिए होती है। अलमौतो कंतरा, देखिए देखिए इस हदीस को याद करें, अलमौतो कंतरा, कंतरा किसे कहते हैं, ब्रिज। आपके माशाल्लाह डार में बड़े प्यारे प्यारे ब्रिज बन रहे हैं, खूबसूरत खूबसूरत है, ये कंतरा है, ये कंतरा जिस्र भी कहते हैं, कंतरा भी कहते हैं। अल मौत कंतरा तुन, ये मौत कंतरा है जिसको इंसान क्रॉस करके आगे जाता है, मौत को अपने पाँव के नीचे दबाकर अपनी बुलंदियों के सफ़र का आगाज करता है। मौत को समझा है गाफिल अख्ताम ज़िंदगी, है ये शाम ज़िंदगी, सुबह दवाम ज़िंदगी, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। काश इस आयत की तरह हमें बहुत सी आयतें याद हो, ये बड़ी खुशनसीब आयत है ना, अक्सर लोगों को याद है, खुदा का शुक्र है। जिस चीज़ को आप चखते हो उस चीज़ को आप फ़ानी कर देते हो, हम फ़ानी कर देते हैं। बीबी फरमा रही है सब्र का सीक्रेट, खुशी का सीक्रेट ये है कि आप इस दुनिया को अपने लिए एक कंतरा समझो, एक पुल समझो, एक ज़रिया समझो, और जब आप इसको एक ट्रांज़िट समझोगे, मुसाफिर, अगर आप किसी को बहुत ही अनकंफर्टेबल चेयर पर बिठा दें, सोफ़ा पे बिठा दें और वो बहुत ही बेचैन हो, और फिर वो कि ये कैसा है, आपके जस्ट फॉर 2 मिनट्स, या तो वो सब्र से बैठ जाएगा, जस्ट फॉर 2 मिनट्स कोई बात नहीं, यू नो। लेकिन अगर उसी से कहें नहीं ये तुम्हारी हमेशा के लिए चेयर है, तो वो हज़ार नखरे करेगा, नहीं आई डोंट वांट लाइक दिस लाइक दैट, बहुत से नखरे होंगे। लेकिन जैसे उससे कहें इट्स जस्ट फॉर 2 मिनट्स, तो वो कहेगा, वो चुप हो जाएगा, मुंह बंद हो जाता है उसका। हमारा भी मुंह बंद हो सकता है, नखरे ख़त्म हो सकते हैं जब हमें ये पता चल जाए कि हम यहाँ सचमुच मुसाफिर हैं। मुसाफिर के पास हमेशा बहुत ही बड़ा बड़ा ख़जाना होता है सब्र का। तो पहली वजह अपनी सोच को ठीक करना है, दूसरी चीज़ जो हिकमत बातिन ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से, हमारे लिए जाहिर होता है, वो है विजडम, रीज़न, मीनिंग। हमें मीनिंग का पता चले कि ये सारी मुश्किलात, ये मसाएब, ये इम्तिहान, ये टेस्ट आ क्यों रहे, यू नो, मीनिंगफुल लाइफ, माइंडफुल लाइफ। हमें हिकमत और विजडम और रीज़न का पता हो तो ख़ुद ब खुद इंसान काम हो जाता है। आप में से कितने लोग गए डेंटिस्ट के पास, अल्लाह करे कि कोई ना जाए, अगर आप गए तो आप खुद से गए,
खुद से जाकर आपने पैसे भी दिए, पैसे देकर दर्द भी लिया है, दर्द लेकर शुक्रिया भी कहा है, शुक्रिया लेकर कहा है नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब है वो भी मांगा है, सही है। ये सब क्यों कर रहे हैं आप? आप कह रहे हैं इसलिए कि मुझे रीज़न पता है, मुझे इसकी फ़िलॉसफी का पता है, मुझे इसके विजडम का पता है, मुझे इसकी हिकमत का पता है कि ये है तो बड़ा दर्दनाक, पैसे भी ले रहा है लेकिन नतीजा फ्यूचर का बड़ा अच्छा है, आगे का सोचते, अभी तो दर्द है लेकिन फिर शफा ही शफा ही शफा है। ये दर्द जो हमें लग रहा है यहाँ पर, अगर उसकी हिकमत का पता हो तो फिर चूं चरा चीखना, बेचैनी और नेगिंग, कंप्लेनिंग, शिकायतें, सबके दरवाजे बंद हो सकते हैं ना, जब इंसान को हिकमत का मालूम हो। जिस तरह मैं हमेशा मिसाल देती हूँ, माँ दूध पिलाती है तो भी कभी कभी ज़बरदस्ती, छुड़वाती है तो भी ज़बरदस्ती, जो दूर से देख रहा है वो कहेगा कितनी जालिम माँ है, पकड़ पकड़ के खिलाती है कभी, और कभी डांट डांट के छुड़वाती है। उस छुड़वाने में भी हिकमत है, उस पिलाने में भी हिकमत है जो नर्सिंग कर रही होती है। हर चीज़ में अगर आपको मीनिंग नज़र आ जाए तो ज़िंदगी कितनी आसान, कितनी स्मूथ, और हम उस साबिरा शाकिरा राज़ियतम मर्ज़िया नफ्स मुतमइन्ना के सामने सलाम पर सलाम भेजते हुए उन नफूस को अपने नफूस से मुत्तसिल करते हैं। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। बहुत सी हमारी प्यारी माएँ छोटे छोटे बच्चों को लेकर आती है, मैं देख रही थी, और मैं जब भी जवान माओं को देखती हूँ जिनके दो दो बच्चे एक गोद में एक हाथ लेकर आ रही हैं और इतने इश्क से, इतनी मोहब्बत से। आज यौमुल जुमा है, मैं उन्हें तोहफे में एक हदीस देना चाहूँगी। वो हदीस जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मुफज़ल से कह रहे हैं कि ए मुफज़ल, मा मिन तिफ्लिन इल्ला अय्यरा इमामहू, कोई बच्चा नहीं होता मगर ये कि वो बच्चा अपने ज़माने के इमाम को देखता है, उसका दीदार करता है। इसलिए यबकी, वो रोता है जब उसको एहसास होता है इमाम गायब हो गए, और व यज़हक, वो हंसता है जब इमाम इज़ा अक़बला इलैह, उनकी तरफ रुख फरमाते हैं। इसलिए हदीस में है रीहुल वलद मिन रीहिल जन्नत, बच्चों की खुशबू जन्नत की खुशबू है, इमाम की खुशबू है, उन्हें सूंघो, उनसे प्यार करो। जब ये पर्दे हटेंगे तो आपको दिखाया जाएगा, जितनी बार आप हत्ता इस पब्लिक प्लेस में भी, मजलिसों में भी, इमाम बारगाह में भी आप गुज़र रही हैं, आपने किसी बच्चे को प्यार से कहा सलामुन अलैकुम बेटा, हंसाया, थोड़ा सा हाथ फेरा, कहते इतना इसका सवाब है, अपने बच्चे का तो बहुत ही ज़्यादा, लेकिन दूसरों के बच्चे को भी अगर आप प्यार देते हैं ना, मोहब्बत देते हैं ना, जो इमाम से इतना करीब है, कहते इतना अजर इतना सवाब के इंसान हैरान रह जाता है कि अच्छा, का जन्नत में एक पूरा मकाम है, एक महल है, एक गैलेक्सी है, उसका नाम है दारुल फरह, फरह यानी खुशी, सुरूर और फरह और हैप्पी ओकेजन की जगह है, हैप्पी सेंटर है, फन सेंटर है। वहाँ कौन जाएगा? वो लोग जाएंगे जो दुनिया में बच्चों से बहुत मेहरबानी के साथ पेश आते हैं। ये वो कनेक्शन है जो इमाम साहिबुल असर व ज़मान और बच्चों का है। आज जो अहम मौजू जिस पर मैं गुफ्तगू करना चाहती हूँ, और मुझे था कि आज फ्राइडे है, शायद बहुत यूथ आई होगी, मैंने देखा इतनी नहीं आई, तो मैंने उस मौजू को थोड़ा सा इंशाल्लाह कल के लिए मैं ज़्यादा रखती हूँ, कल और परसों के लिए, वीकेंड के लिए। वो मौजू है मौजू हया, हया यानी एहसास हुजूर, मॉडेस्टी, चेस्टिटी, इफ़्फ़त, हया। हया इतना अहम है, इतना अहम है कि तमाम अंबिया को अगर जमा किया जाए और उनसे पूछा जाए कि आपकी टीचिंग क्या है, द टीचिंग ऑफ ऑल द प्रॉफिट वुड कैन बी कंक्लूजन, या उसका नतीजा कैन बी वन स्टेटमेंट, एक
जुमला, और वो जुमला होगा कि ला दीना लेमन ला हया अला, उसका कोई दीन ही नहीं है जिसके पास शर्म और हया ना हो। हुजूर इलाही, हुजूर अंबिया, हुजूर आइम्मा, हुजूर फरिश्ता और एंजल्स के प्रेजेंस को जो फील ना करता हो वो बेहया है, वो बेहया है। और ये कितना अहम है, देखिए खुदा ने जब हमें टीच करना चाहा, पता है क्या किया, अल्लाह ने नहीं कहा तुम जहन्नम में जाओगे, ये होगा वो होगा, नहीं, अल्लाह ने हया के ज़रिए हमें मोहब्बत से अपनी तरफ बुलाया कि अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा। देखिए बात पे दूर आगे आगे जाके सूरह अलक में जन्नत और जहन्नम की बातें हो रही है, सज़ा और जजा की बातें हो रही है। शुरू में क्या कहा, तुम्हें नहीं पता मैं देख रहा हूँ, मेरे प्रेजेंस को फील कर सकते हो, मेरा एहतराम करना चाहते हो। एक बच्चा कमरे में आ जाता है तो इंसान चौंक उठता है, एहतराम करता है कि या आई कैन फील योर प्रेजेंस। तो अल्लाह के हुजूर को, अल्लाह के हुजूर को कहते सारी जीनतों, सारे कमालात का जो लिबास है वो हया है। हया बहुत अहम है, अल्लाह खुद फरमाता है मैं हया से काम लेता हूँ। अल्लाह कहते हैं मुझे शर्म आती है, पता है ना आपको, क़यामत के दिन जो फ़कीर होंगे, जो सिंपल लोग होंगे, जो सफ़ेद पोश, आप कहते हैं ना, जो सिंपल ज़िंदगी गुजारते हैं मॉडेस्टी के साथ, हया के साथ, इज़्ज़त के साथ, अमीर नहीं होते, बहुत लग्जरी जिनकी लाइफ नहीं होती, वो मुलूकुल जन्ना होंगे, वो जन्नत के किंग्स होंगे, वो उड़ते हुए जन्नत में जाएंगे, वो 40,000 साल पहले जो अमीर हैं उनसे पहले जन्नत में पहुँचे होंगे। यहाँ पर अमीर बड़े मज़े से जल्दी से पहुंच जाते हैं, उनकी गाड़ियाँ शूम करके पहुंच जाती है, वो बिज़नेस क्लास में वूम करके चले जाते हैं, वो गाड़ी पिप पिप करके चले जाते हैं, बड़े नखरे करते हैं ना, करते हैं ना, बहुत सी जगह पर बड़े नखरे कर रहे होते हैं। और जन्नत में नखरे होंगे गरीबों के, इज्जतदार, वो ऐसे उड़ते हुए जाएंगे, अमीर बेचारा पीछे 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 40,000 साल लग जाएंगे, और वो हसरत से देखेगा काश मैंने सिंपल लाइफ गुजारी होती दुनिया में। अंबिया में भी आपको पता है ना, कौन सा नबी सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, कौन सा नबी पता है ना आपको, अंबिया में जो सबसे ज़्यादा अमीर नबी है वो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, ये तो मशहूर सी बात है। कौन से नबी है, हाँ सबसे ज़्यादा रिच है, सबसे ज़्यादा नेमतें, सबसे आखिर में जाएंगे, ये मशहूर बात है, ये बहुत रिवायात में मौजूद है। तो जो उड़ते हुए बड़े फ़ख्र से जाएंगे और फिर अल्लाह कहेगा अल्लाह अल्लाह, हर कोई बारगाह इलाही में अल्लाह से फॉरगिवनेस, मग़फ़िरत तलब कर रहा होगा, लेकिन एक ग्रोह से अल्लाह माफ़ी मांगेगा, वो ग्रोह फ़ुक़रा है, सिंपल लोग हैं, इज़्ज़त वाले लोग हैं, हया वाले लोग हैं। अल्लाह कहेगा मुझे माफ़ करो, मैंने तुझे दुनिया में ज़्यादा माल हो, दौलत हो, जाह हो, मकाम नहीं दिया, ये समझ के नहीं दिया कि तू काबिल नहीं था, नहीं, इश्क और मोहब्बत में नहीं दिया, कभी ना देखकर भी प्यार होता है। मैं हमेशा मिसाल देती हूँ ना, एक फर्जंद को, एक इमाम को अल्लाह ने क्या दिया, 38 औलाद चिल्ड्रंस दिए हमारे सातवें इमाम को, और आठवें इमाम 48 ईयर्स की हो गई और एक बच्चा भी नहीं दिया, एक को छत फाड़ के दे रहा है और एक को एक भी नहीं दे रहा है। वबलौनाहुम बिलहसनाते वबिस्सैयाआत, देकर लेकर हर तरीके से अल्लाह के प्यार के अंदाज हैं, आगोश रब इलाही रहमत इलाही में जाने के अंदाज है, अंदाज अलग अलग है। तो अल्लाह खुद कहता है मैं हया वाला हूँ, हया करता हूँ, और मैं हया करने वालों से मोहब्बत करता हूँ। अब देखना यह है कि इस हया को हम कैसे कैसे पता करें। हदीस में है कि इफ़ यू आर गेटिंग एनी प्रपोजल सो यू हैव टू लुक फॉर दीज 3 very essential qualities, बहुत एसेंशियल क्वालिटीज़ है। नंबर 1 हया, कितना बा हया है। नंबर 2 कितना ऑनेस्ट है, अमानतदार है, बातों को इधर उधर तो नहीं करता। अलमजालिसो अमाना, हम जब 2 लोग मिलके बातें करते, 3 लोग मिलके बातें करते, जो बातें मैंने सुनी है वो अमानत है, वो मैं इधर उधर नहीं ले जा सकती, गुनाह है। अगर आपके सामने आकर कोई बताता है ना कि फिलानी ने ये कहा, ये बताना भी गुनाह है,
हत्ता इस नियत से भी बताएं कि आई रियली वॉन्ट टू अवेयर यू, यू नो आई एम वेरी सिंसियर टू यू. पता है क्या हुआ था, पता है ये हुआ था, पता है वो हुआ था. मैं तो कहती हूँ ये जो व्हाट्सएप के ग्रुप है, फैमिली ग्रुप्स और पता नहीं क्या 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 है, उनका हिसाब किताब बहुत बड़ा होगा, वहाँ क्या कुछ बातें चल रही होती हैं. लिहाजा अमानतदार, नंबर 3 सादिक, सच्चा होना. ये 3 अहम क्वालिटीज़ है. ये ना देखो वो मजलिसों में सिर्फ आता है कि नहीं आता, नहीं, ये क्राइटेरिया सिर्फ नहीं है, वाजिबात तो करना ही है, लेकिन जो बातनी चीज़ है ना, जो इंसान को खालिस सच्चा बनाती है, ईमान को जाहिर बता रही होती है, वो है हया, अमानत और सदाकत. अब देखना ये है कि ये हया कहाँ हमें नज़र आए, कैसे पता चले ये बाहया है कि नहीं है. अगर आपने अपना ब्लड प्रेशर देखना हो तो आप जाते हो, ये चेकअप करवाते हो, देखते हो टेम्परेचर अपना बदन का, इसका थर्मामीटर क्या है, इसका मैदान क्या है, कहाँ पता चलेगा मैं बाहया हूँ या बाहया नहीं हूँ. इसके 5 मकामात हैं, आज जितना वक्त मिले इंशाल्लाह मैं इशारा करूँगी. पहला मकाम है عين العين موضع الحياء العينان, अपनी आँखों के ज़रिए अपने बारे में जज करो कि कितनी हया है और कितनी हया मॉलेस्टी नहीं है. हज़रत दाऊद ने जब हज़रत सुलेमान को नबुवत मुंतकिल करनी थी, देनी थी, तो 14 क्वेश्चंस किए, 14 सवाल पूछे, उसमें से एक सवाल ये था कि ए मेरे बेटे सुलेमान बताओ हया की जगह कौन सी है, तो आपने फरमाया मौज़ुल हया अल आईना, दो आँखें, आँखों से पता चलता है. मेरे मौला, मेरे आका, बाबुल इल्म, इमामुल आरिफीन, क़ायदुल गुर्र अल मुहज्जिलीन, अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, आपकी इतनी खूबसूरत ये हदीस है कि अलैनो जासूसुल कल्ब, एन आपके बातिन के बारे में बताता है, जासूस है आपके दिल का. किसी ने पूछा कि या अमीर अल मोमिनीन मानिलता, कैसे आप इस मकाम इस्मत और विलायत और सियादत औसिया पर पहुँचे हैं, तो जवाब पे फरमाया कुंतु बवाबन अला कल्बी बाब कल्बी. कितना प्यारा ये कौल है, मैं तो कहती हूँ इसको सच मुझ आप अपने दिलों में लिख लें खुदा के लिए. मैं मर जाऊँगी आप लोग मेरी ये बातें याद करेंगे कि राजिया ये बहुत कहती थी, अहले कलम बनो, अहले इल्म बनो, अना मदीनतुल इल्म, ना अना मदीनतुल इबादा फ़कत, या हम इल्म वाले, विजडम वाले, हदीसों को चुन चुन के लो, कीमती समझो, हीरा समझो, डायमंड समझो. कुंतो बवाबन आला बाब कल्बी, एक दफ़ा फिर कह रही हूँ, इमाम ने क्या फरमाया, मैं इस मकाम तक पहुँचा इसलिए कि मैं अपने दिल के दरवाजे का बड़ा सख्त मुहाफिज मैंने वहाँ पर खड़े कर रखे. दिल एक हौज़ की तरह है, मसलन हौज़ यानी पानी का, या एक पाउंड पानी का नहीं होता, हौज़. उस हौज़ कल्ब को अगर आपने पाक रखना है, उसके कुछ चैनल्स हैं, चैनल्स कनाल जहाँ से ये तमाम के तमाम पानी इसमें आते हैं. समझाने के लिए मैं अपने जवानों को समझा रही हूँ, एक आँख है, एक कान है, एक जबान है, ये पाक होंगे तो ये दिल पाक होगा. इस कल्ब पर बड़े सख्त निगहबान रखो, सख्ती के साथ इनकी हया और इफ़्फ़त का ख्याल रखो, वरना किसी मकाम तक नहीं पहुँचोगे. कुंतो बवाबन आला कल्ब बाबी, या इमामुल आरिफीन हमें भी हया दे दे, हमें भी उस अजीम निगहबान चश्म को रखने की तौफीक दे दे. कितनी ज़रूरत है आजकल हया की, कितनी बेहयाई ज़्यादा हो गई है. आयतुल्लाह सिस्तानी के पिदर मोहम्मद बाकर सिस्तानी जो मशहद में होते थे, 40 दिन ज़ियारत आशुरा पढ़ते ताकि इमाम असर का दीदार हो जाए. 40वां दिन जब ख़त्म हुआ तो आपको एक नूर नज़र आता है, एक रोशनी नज़र आती है, और उस रोशनी के पीछे पीछे दौड़ते हुए
अल्लामा बाकर सिस्तानी जाते जाते देखा उस घर में एक मैयत है, एक जनाजा है, लोग रो रहे हैं। पूछा कौन मरा है, किसका जनाजा है, मुझे खुशबू यहाँ से आ रही है और नूर यहाँ से नज़र आया। कहा एक खातून का जनाजा है। कहा वो कौन है खातून, क्या यहाँ हो रहा है। कहा एक खातून थी, आपको पता है शाह ईरान के वक्त में इनकलाब से पहले एक ऐसा वक्त आया था कि जो भी घर से बाहर निकलता उनकी चादरों को छीन लेते थे ना, तो चादरों को छीनने का ज़माना था। ये खातून 7 ईयर्स तक घर से बाहर नहीं निकली थी कि अगर मैं निकलूँगी तो चादर छीन ली जाएगी। अगर कहीं जाना होता तो ख़वातीन छतों से जाती थी, बहुत मुश्किलों से किसी के घर जा सकती थी। तो इमाम ने जब देखा कि बाकर सिस्तानी यहाँ आए हैं तो आहिस्ता से उनके कान में कहा कि ए बाकर सिस्तानी, अगर तुम चाहते हो अपने आका और मौला का दीदार करो तो हया, इफ़त, मॉडेस्टी, अपने नेक आमाल को जारी सारी रखो, हम खुद तुमसे मिलने के लिए आएंगे। ये आंखें बहुत बहुत ही इंसान के बातिन की को मैनिफेस्ट और तर्जुमानी करने के लिए अहम हैं। कहते हैं जिना का, गुनाहों का दरवाज़ा इन आँखों से शुरू होता है, आँखों से शुरू होता है। जिसकी आँख जितनी पाक होगी उसका दिल उतना ज़्यादा पाक होगा। और इस ज़माने में अफसोस के साथ किस तरह से ये आंखें खुली रहती है, हर चीज़ को देख रही होती है, आसानी के साथ हम हर मंज़र देख लेते हैं। खुदा रा अपने स्क्रीन को पाक रखें तो दिल पाक होगा। स्क्रीन पाक, दिल पाक, और स्क्रीन पे लिख के लगा दे या हाजिरो या नाजिर, या रकीबो या अतीद। और मेरे नबी की यह हदीस है, गुज़ु अबसारकुम तरौन अल अजाइब, ए मेरे चाहने वालों अपनी आँखों की हिफाजत करो, मैं तुझे अजाइब दिखाऊंगा। या मज़हर अल अजाइब, मौला अली को हम कहते हैं ना, तो मैं आज आपको एक अमल बताती जाऊँ जिस अमल के ज़रिए आप अपनी हया और इफ़्फ़त के दर्जे को और ज़्यादा बुलंद से बुलंद कर सकते हैं। ये अमल है 110 मरतबा, जो कि मौला का नंबर है। आप इस जिक्र को पढ़ें जिसके 3 अल्फाज हैं, 3 जुमले हैं, वो है सरातो आलियन मुस्तकीम, सरातो मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दैट्स इट। आसान है लेकिन क्या बरकतें हैं इस अमल की। दिन में 110 मरतबा पढ़ना है, एक साथ पढ़ें या अलग अलग करके पढ़ें, ऐसे रास्तों को आपके लिए खोलता चला जाएगा, बुलडोज़र से भी ज़्यादा कुव्वत के साथ रुकावटों को हटाता हुआ जाता है। ये वादा है मज़हर अल अजाइब का कि आप अपने चश्म पर, अपनी आँख पर अगर कंट्रोल रखेंगे तो परवरदिगार आलम बसीरते नूर चश्मे कल्ब को आपके लिए रोशन कर देगा। ये वादा ये इलाही है। खयात जब अली का आपने सुना है ना, जो 20s में था, अर्ली 20s में, और उनके ख़ानदान की एक लड़की उन पर आशिक हुई, जिस तरह हज़रत ज़ुलैखा और यूसुफ़ का वाक़या है, और जनाब खयात रजब अली ने मना किया, बहुत मुश्किल था मना करना, बहुत मुश्किल था कंट्रोल करना, करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए, यहाँ तक कि एक मरतबा जब आप नमाज में थे और आपने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबीयो, रोते हुए कि या रसूल अल्लाह मेरी मदद कीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ जब सलाम में, नमाज की सलाम में अपने नबी पर सलाम करते हैं तो नबी फरमाते जवाब सुनो ना, मैं देता हूँ जवाब, तुम सुनना नहीं चाहते हो। हम भी अगर, मैं आपको यकीन के साथ कहती हूँ, 40 में 4 दिन रह गए, इन 4 दिनों में अगर हमने अपनी हया चश्म को बरगुजार रखा
और पूरी नियत कर लिया, आज़म कर लिया कोई गुनाह ना करे। ये सबसे बड़ा जिक्र यही है कि गुनाह ना करे। ये गुनाह न करना जिक्र इलाही है। आयतुल्लाह बेहजत यही जिक्र देते थे। लोग कहते थे जिक्र तो आप कहते थे, गुनाह ना करो जिक्र है, आप हमेशा जाकिर हो। सिर्फ इंसान उस वक्त अल्लाह से दूर होता है जब गुनाह करता है। आप जाकिर बन जाते हो, जाकिर इलाही, क्योंकि आप इताअत की हालत में होते हो। जैसे ही खयात रजब अली ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, फौरन जवाब आया वअलैकुम अस्सलाम। या रजब अली कहाँ थे, हैरान हुआ, और उनको बताया गया, इल्हाम हुआ कि ये जो इफ्फत से काम लिया है इसकी वजह से, मिम्मन कदरा फअफ्फा लकादा अन यकूना मलकन मिनल मलाइका। मैं आपको सवाब बताऊं, हदीस में है, सामने कोई बुरा सीन आता है और आप देख सकते हो, नहीं देखते, आंखें बंद करते हो या आसमान की तरफ देखते हो। हदीस में ये भी आया हुआ है, आप फौरन आसमान की तरफ देखो, अल्लाह को याद करो, को या हाजिर हो या नाजिर। जैसे ही आपने अपनी आंखों का रुख आसमान की तरफ किया या ज़मीन की तरफ करके उसको बंद कर दिया, हमें यही दो रास्ते दिखाए ना, कहा इन दो रास्तों से शैतान नहीं आ सकता। दाए बाए बैक फ्रंट से आ सकता है, इमाम खलफ से, लेकिन ऊपर और नीचे से उसकी कोई ताकत, ना कोई आर्मी है, ना कोई लश्कर है, ना उसका कोई नुमाइंदा ऊपर है ना नीचे है। तो ऊपर देखें या नीचे देखें, ये दोनों अहादीस में आया है। अगर आप ऊपर देखते हैं तो ये आपका गस्से बसर करना, ये आपका रुख को पलट लेना इतना रब को पसंद है कि रब कहता है ये मेरा बंदा फरिश्तों से भी ज्यादा बालातर है। सलवाते और ख़वातीन के लिए हया मर्दों से ज़्यादा हदीस की रोशनी में ज़ेब देता है। अल हया ओ हसन व हुआ लिन्निसा ए अहसन, औरतों के लिए अहसन बन जाता है, आम लोगों के लिए हसन है। जैसे जनरोसिटी सबके लिए अच्छा है लेकिन अमीरों के लिए और ज़्यादा अच्छा है, हदीस में कहा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी ये बताया हुआ है, अहसन हो जाता है जब औरत पर आ जाए तो उससे परवरदिगार आलम। और हदीस में अल मरअतु, औरत जो बग़ैर हया के हो, कल मिल्ह ताम बिला मिल्ह, कताम बिला मिल्ह, वो औरत जो हया के बग़ैर है उस खाने की तरह है जिसमें नमक नहीं है, बेनमक औरत है, बेमज़ा औरत है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। हया वाली औरत की बहुत ज़्यादा इज्जत है। और आप यकीन जानिए, ये आखिरो ज़मान में अगर इमाम को अगर कोई बुला सकता है, ज़ुहूर इमाम के लिए रास्ते आम अगर कोई कर सकता है तो वो औरतें हैं, औरत ही बुला सकती है। क्यों? क्योंकि इमाम उस वक्त आएंगे जब माशरा शऊर, माशरे में अवेयरनेस आएगी, ठीक है। इमाम तो उस वक्त आना है जब हम पूरे वजूद से इमाम की इताअत के लिए तैयार होंगे, आमादा होंगे। मैंने अपनी इस किताब में पहली हदीस इमाम से रिलेटेड है, आज जुमा है इसलिए मैंने कहा मैं आपको बताती हूँ। पहली या दूसरी हदीस में ही बताया हुआ है कि तुतून अल-हिकमा फी ज़मानी हत्ता अन अल-मरअत लतक्ज़ी फी बैतिहा बिकिताबिल्लाह व सुन्नतिही। हर औरत जब PhD मुज्तहिदा बहुत बाशऊर उस लेवल तक पहुंच जाएगी असर ज़ुहूर में। क्यों? क्योंकि कहते हैं असर गैबत में बहुत से शयातीन आकर जब हमें बेहयाई की तरफ ले जा रहे होते हैं तो ये ख़वातीन हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं, जो ख़वातीन हैं जो बेदारी लेकर आती हैं, जो नस्लों की तरबियत करती है। और इमाम उस वक्त आएंगे जब लोग अवेयर होंगे। लोग अवेयर उस वक्त होते हैं जब ख़वातीन अवेयर होती है। ख़वातीन में इल्म आता है तो माशरे में इल्म आता है, ऐसा ही है ना। मर्दों को तो बेचारों को इतना कुछ पता ही नहीं चलता, सही है। इतना अरसा गुजर जाता है, 5-6 महीने बाद कहीं से आए तो क्या पता चलता है, अच्छा बेटा तुम थोड़े से मोटे हो गए और तुम पतले हो गए। इसके अलावा डिटेल्स का पता चलता है, डिटेल हर चीज़ औरतों को पता चलती है। अच्छा आज पेपर सही नहीं हुआ,
लगता है आज कोई गड़बड़ है, अच्छा आज किससे मिलकर आए हो, ये जो इतने डिटेल में जाने वाली, तदबीर करने वाली, हसीन तरबियत करने वाली ये खातून है, खातून है, ख्वातीन में बेदारी आएगी तो इमाम का इंशाअल्लाह ज़ुहूर का वक्त नज़दीक होगा। मैं आपको 313 में जो 50 ख्वातीन हैं उनके भी नाम आए हुए, 13 ख्वातीन जो कि एज अ नर्स आएंगी, रिजात करेंगी, दोबारा ज़िंदा होंगी, उनके भी नाम आए हुए, मैंने अपनी किताबों में ज़िक्र किया हुआ है। 400 ख़वातीन जो जीसस के साथ, हज़रत ईसा के साथ आएंगी, उनके बारे में भी ज़िक्र आया हुआ है। और थाउजेंड ख़वातीन जो अंसार में से होंगी, आम लोगों से हट कर, क्योंकि ग्रुप है, कैटेगरीज है, कुछ मिनिस्टर्स होंगी, कुछ नर्सेज होंगी, कुछ दूसरी सीट पर होंगी, तो इतनी ज़्यादा ख़वातीन का जिक्र है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो 50 ख़वातीन है, नहीं, मुझे ये जो नर्सेज का जिक्र है बड़ा अच्छा लगता है। 13 का नाम लिया गया है, अनवा, सबाना, हबाबा, उम्म ऐमन, बरका, उम्म खालिद, उम्म साइदा, इन तमाम के बारे में मैं अक्सर लिखती रहती हूँ, 20-30 साल से लिख रही हूँ कि कितनी अजीम ये ख़वातीन हैं, नसीबा, जिन्होंने अजीम काम अंजाम दिए, परवरदिगार आलम उन्हें ज़िंदा करेगा। और बहुत बदकार कुछ ख़वातीन भी ज़िंदा होंगी ताकि उन्हें भी सज़ा दी जाए। रिजअत ख़ास लोगों के लिए है, तो उनमें एक जो है वो उम्म ऐमन है। उम्म ऐमन कौन है? उम्म ऐमन जंगे ओहद में, कहते इतनी ज़बरदस्त मुदाफ़िया है नबी रही हैं कि जब आपने देखा ना, लोगों ने नबी को छोड़ कर लोग चले गए और कहने लगे शायद नबी शहीद हो गए, ये बातें, ये अफवाहें फैलने लग गई, तो आपने खाक लिया और जो लोग भाग रहे थे उनके सरों पर फेंका सिपाहियों के, और आपके हाथ में कुछ रस्सियाँ थी, कुछ धागा था, उनको दिया, कहा जाओ औरतों की तरह घरों में बैठो, ये चादर पहनो, तलवारें मुझे दो, ए बेहया, ए बेशर्मों, और इमाम और इसी तरह नबी की हिफाजत करना शुरू कर दी। आपका एक बेटा जंगे हुनैन में शहीद हुआ, दूसरा बेटा कौन है? उसामा, जो 17 ईयर्स का है और रोमन्स के ख़िलाफ़ जो कमांडर बन रहा है वो उसामा है, 17 साल का। जवानों की क्या इज्जत है इस्लाम में, मैं कैसे बताऊं आपको, किस तरह इमाम और आइम्मा और नबी जो नॉमिनेट करते थे बड़े बड़े की पोजीशंस के लिए, अक्सर जवान होते थे, टीनेजर लीडर्स पर भी मैंने आर्टिकल्स लिखे हुए, कितने ऐसे हैं जो बिल्कुल जवान हैं और इमाम और नबी ने उन्हें एक बहुत बड़ी पोजीशन दी। उनमें से एक उसामा है जो के उम्म ऐमन का बेटा है। फदक के वाक़े में भी उम्म ऐमन मुदाफ़िया रही, गदीर के लिए भी आपने शहादत दी, गवाही दी, और जब शहादत उम्मुल आइमा हो जाती उम्म ऐमन नहीं रह सकती ना, मदीना नहीं रह सकती, चली जाती, और रास्ते में सहराओं में रो रही और कह रही है मदीना बग़ैर बिते नबी के मदीना नहीं है। इतनी प्यास का गलबा होता है, गर्मी का मौसम है, एक जुमला कहती हूँ मैं, मन कहती या रब अना खादिमतु फातिमतु ज़हरा, ए रब मैं तिश्ना इस सहरा में अकेली मर जाऊँगी, जानवर मुझे खा लेंगे, जबकि मैं खादिमे फातिमतु ज़हरा थी। ये जुमला सुनना था, आसमान से बेहश्ती पानी, बेहश्ती शराब तहूर नाजिल हुआ। खुदा की कसम, आयतुल्लाह वहीद खुरासानी बहुत तफसील से बोलते हैं मेरे उस्ताद, कि कहते हैं 7 ईयर्स जिंदा रही हैं जनाब उम्म ऐमन इस पानी के पीने के बाद, ना उन्हें कोई प्यास लगती थी ना भूख लगती थी, ये जिस्म ऐसा बेहश्ती जिस्म में बदल गया था उस तवस्सुल की वजह से कि उम्म ऐमन ने ना फिर पानी पिया ना खाना खाया। 7 ईयर्स इसी प्लानट में रही हैं, उस ताम और शराब बहश्ती को बेहक फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तलावत करने के बाद, और दूसरी हस्ती जनाब सियाना है, टाइम कम है, जो कि माशता थी, हेयर ड्रेसर थी दुख्तर फिरऔन की। माशता हेयर ड्रेसर्स के बारे में भी मैं बहुत तफसील से बातें करती हूँ, जनाब उम्मे सलमा की हेयर ड्रेसर, जनाब खतीजा की हेयर ड्रेसर, और इसी तरह जनाब सयाना जो कि ज़ौजा हिस्कील है, इंशाअल्लाह कल अगर हो सके तो मैं उनके बारे में तफसील से पढ़ूँगी कि ये कौन सी ऐसी अजीम ख़वातीन, उनके किरदार,
उनकी काविशें, उनकी ईसार, उनकी कुर्बानियों को इस्लाम ने इतनी अजमत से याद किया है और हमें बताया है कि करबला में भी अगर आप देखें बहुत से ऐसे मौके, ख्वातीन करबला मेरी किताब है, मैंने उसमें तफसील से लिखा है, जहां मर्द पीछे पीछे, औरत आगे आगे, कितने घर बसरा में थे, सबके घर के दरवाजे बंद, मारिया ने अपना घर का दरवाज़ा इमाम के सफीर के लिए खोल दिया, कूफा में सारे घर बंद, तो वहाँ का घर खुल गया सफीर इमाम के लिए। हर शहर में जो सफीर इमाम हुसैन जाता, वहाँ एक औरत अपने घर का दरवाज़ा खोलती। मर्द बहुत से लालची बन के चले जाते थे इनाम की लालच में, ये ख्वातीन बहुत आगे रही है। ये ख्वातीन किस तरह से हर ज़माने की इमाम की नुसरत करती रही है। आइए, हम सब पर बहुत बड़ा एहसान है सैयदा कौनैन की बेटी का, जनाब ज़ैनब कुबरा का, अपने आप को असीर किया ताकि हम और आप आज़ाद हो जाए। आज हम आज़ादी से बीवी को याद कर सके। आइए, बीवी को उस शाम के मनाज़िर में देखते हैं जहाँ रिवायत में यूँ लिखा है कि जब ये काफिला दर बदर बाजार शाम दरबार शाम बाब शाम में गुजारा चाहता। पता है आपको, आज तक तारीख अरब में ये नहीं हुआ था कि किसी अरब को असीर बनाया जाए। पहली बार कोई अरब असीर बना है, हमेशा गैर अरब असीर बनते थे। पहली बार अरबों को असीर किया, पहली बार औरतों को असीर किया, और वो अरब भी कौन है, खानदान मोहम्मद वाले मोहम्मद अहले अज़ा। जब ये कारवान शाम में दर बदर फहराया जाता था, तो एक मर्तबा एक शख्स जो सहाबी मासूमीन में से है, इब्ने उतैबा कहता है, मैं किसी काम से तिजारत के लिए शाम में आया था, मैं मुसाफिर खाने में रह रहा था, मैंने देखा आज बड़ा जश्न मनाया जा रहा है, ईद है, तालियां बजाई जा रही है। मैं वापस आया, बाहर निकला, कमरे से पूछा क्या हो रहा है, कहा कुछ बागियों का ग्रोह आ रहा है, हर रोज़ इन्हें फिराया भी जाता है, दिखाया भी जाता है। मैं गया तो मैंने क्या देखा, कुछ बीबियाँ हैं, ज़ाहिरन बेचादर है लेकिन हया की पैकर है, सलाम हो ज़ैनब कुबरा के उन रसन बस्ता हाथों पर। और देखा एक जवान कमर खमीदा है, जिसके हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, सर में खारदार तोक है, और आकर कहता है, ए अपने अतैबा तू यहाँ क्या कर रहा है। अतैबा कहता है, मैं हैरान हो गया, कहने लगा तू कौन है, शख्स मेरा नाम कैसे जानता है। तो कहा, अना अली इब्न अल हुसैन, मैं सैयदुश्शहदा हुसैन का बेटा हूँ। ये सुनना था, इब्ने उतैबा पाँव पर गिर जाता है और कहता है, आका आप और असीरी, ये शाम मुसलमानों का शहर है, आपको तुर्क के गुलामों की तरह बाजारों में फहराया जा रहा है। अहले अज़ा, इतने में अपने अतैबा कहता है, मैंने देखा एक शख्स दामन भर के बहुत से पत्थर लेकर आया है, इमाम हुसैन के सर की जानिब उसने पत्थर मारना शुरू किया। इब्ने उतैबा ने तलवार निकाली, सैयदुस साजिदीन ने फरमाया, ए इब्ने उतैबा कत्ल न कर, खून न बहा, ये तूने पहली बार पथराव देखा है, हम तो कूफा से शाम तक मंजिल बे मंजिल इतने पत्थर खा खा कर आए हैं। अहले अज़ा, इब्ने उतैबा ने कहा है, मेरे आका मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। मजलूम इमाम ने फरमाया कि तेरे जेब में कितनी रकम है, खुदा किसी शहंशाह बादशाह फरजंदे इमाम पर ये वक्त न लाए
के इमाम पूछ रहे तेरे पास कितनी रकम है। कहा मौला क्या काम करूं, कहा बाजार से जा कुछ चादरें खरीद कर ले आ। हाय तमन्नाए गैरत सज्जादी, शहादत तो हमारी मीरास है, लेकिन जरा बताओ किस नबी ने किस इमाम ने अपनी माँ बहनों को बेहयाओं के गाने बजनों के महफिलों में बेचादर देखा है। अजब नहीं बीबियों ने कुछ लम्हों के लिए चादरें पहन ली हो, लेकिन अहले अज़ा कुछ ही लम्हे गुजरे थे, सिपाहियों ने नेजों से आकर चादरों को उतार दिया। अब इमाम कहते हैं ए इब्ने उतैबा बाकी रकम नेजा सवारों को दे दो ताकि वो बीबियों से दूर हो जाए, मेरी माँ बहनों पर ना महरमों की निगाह कम से कम पड़े। सलाम हो गैरत सैयद साजिदी पर।